आज हम पढ़ेंगे क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग बेसिकली हम लोड बैलेंस के लिए सर्वर्स के बीच में क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब भी आपको लोड बैलेंस करना हो, मान लीजिए आपके पास लोड बैलेंस है, कोई ऐसा फिक्स डेटाबेस है, कोई वेबसाइट है आपकी और उस पर आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, आप चाहते हो कि ये वेबसाइट की रिक्वेस्ट दो सर्वर्स या चार सर्वर्स पूरा करें, ठीक है, तो उन दो या चार सर्वर्स के बीच में हम क्लस्टरिंग कर देंगे, लोड बैलेंसिंग कर देंगे, जिसके थ्रू उसका लोड बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा हो तो आपका सर्वर क्रैश हो सकता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए हम लोड बैलेंसिंग करते हैं। लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम क्लस्टरिंग करते हैं। ये क्लस्टर या लोड बैलेंस दो तरह का होता है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि जो आप लोड बैलेंस करना चाह रहे हो सर्वर का, वो डेटाबेस कैसा है, फिक्स डेटाबेस है यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है या लगातार उसके अंदर चेंज हो रहा है। अगर आपके पास लगातार चेंज होने वाला डेटाबेस है यानी वेरिएंट डेटाबेस है, तो उसके लिए जो हम लोड बैलेंस का फीचर यूज करेंगे वो होता है फेल ओवर क्लस्टरिंग। और अगर फिक्स डेटाबेस है, मान लीजिए हमने एक वेबसाइट बना ली और इसके लिए लोड बैलेंसिंग लगा रहे, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रिजल्ट निकलता है, सीबीएसई का रिजल्ट निकला, उसमें एक साथ इतने सारे यूजर्स आएंगे तो आप क्या चाहते हो कि उसका लोड बैलेंस हो जाए, तो उसका अगर लोड बैलेंस आप चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो फिक्स डेटाबेस है, एक बार जो रिजल्ट डाल दिया उसमें चेंजेस तो करने नहीं है, तो वो फिक्स डेटाबेस का लोड बैलेंस हम कैसे क्रिएट करेंगे, एनएलबी के थ्रू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फिक्स डेटाबेस है, कोई वेबसाइट है, उसका अगर आप लोड बैलेंस करना चाहते हो तो उसके लिए आप एनएलबी यूज करते हो, और अगर वेरिएंट डेटाबेस है तो उसके लिए हम फेल ओवर क्लस्टरिंग यूज करेंगे। क्लियर हो गया, लोड बैलेंस दो तरह के हो गए। नेक्स्ट है आपका कि अगर आप क्लस्टर क्रिएट करना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्लस्टरिंग जितने भी आपके नोड होंगे वो सारे नोड NOS होंगे, यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्लस्टर पे जा सकता है, क्लाइंट पर के ऊपर आप ये क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो पहला तो ये है कि NOS होना चाहिए। दूसरा, आपके जितने भी सर्वर क्लस्टर के मेंबर बनेंगे सबके पास दो NIC कार्ड होने चाहिए कम से कम। एक NIC कार्ड जो क्लाइंट के नेटवर्क के लिए यूज हो रहा होगा और दूसरा NIC कार्ड जो सर्वर के लिए यूज हो रहा होगा, यानी सर्वर के क्लस्टर के लिए, क्लस्टर नेटवर्क के लिए यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो दो NIC कार्ड यूज करेंगे और दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क IP पर काम करेंगे, यानी क्लाइंट का नेटवर्क अलग होगा और क्लस्टर का नेटवर्क अलग होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर हम एक वर्चुअल IP भी क्रिएट करेंगे क्लस्टर की, और वो वर्चुअल IP आपकी ये डिसाइड करेगी कि हाँ आपका जो है जो वेबसाइट है वो उसी वर्चुअल IP के ऊपर अपलोड हो जाएगा, ताकि वो रिक्वेस्ट किसी के पास आए और वो अपने सर्वर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। समझ में आ रहा है? तो दो IP आपकी होगी, एक क्लाइंट नेटवर्क के लिए, एक क्लस्टर नेटवर्क के लिए, और जो क्लस्टर का, मान लीजिए हमने क्लस्टर दो नोड के बीच में क्रिएट किया है, तो 100.0.0.1 और 100.0.0.2 मेरे नोड IP है, तो जो हम वर्चुअल IP रखेंगे वो क्लस्टर नेटवर्क की रखेंगे, यानी 100.100.100.100 एक वर्चुअल IP ले लिए, उसके ऊपर हमने डाल दिया कि ये मेरी वर्चुअल IP है जो क्लस्टरिंग के लिए यूज होगी। तो अब सब लोग उस सारे दोनों नोड क्या समझेंगे कि 100.100 पर हमारी वर्चुअल IP चल रही है, जिसपे हमारी वेबसाइट चल रही है, और इसके ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो आधी आधी उन दोनों सर्वर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। समझ में आ गया? अब हम NLB के स्टेप्स देखते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि क्लस्टरिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम NLB करना चाहते हैं, क्लस्टरिंग के दो पार्ट मैंने बताया, एक NLB, एक फेल ओवर क्लस्टरिंग। फिक्स डेटाबेस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? NLB यूज कर रहे हैं। तो NLB कैसे क्रिएट किया जाएगा? NLB क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हम एक सर्वर पे वेबसाइट बनाएंगे, ताकि हम उसी का लोड बैलेंस कर रहे हैं, तो हम एक वेबसाइट IIS क्रिएट करेंगे। IIS क्रिएट करने के बाद हम NLB क्रिएट करेंगे। क्लियर? ठीक, NLB क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम दो NIC कार्ड लगाते हैं सर्वर के ऊपर, उसके बाद एक नेटवर्क का, एक क्लाइंट के लिए चला जाएगा, एक क्लस्टर के लिए चला जाएगा। सर्वर मैनेजर पे जाके हम NLB इंस्टॉल करेंगे,
प्राइमरी पर जाके हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर सेकेंडरी पे जाके नेम स्पेस को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। एक मेरा क्लाइंट पीसी है, ये मेरा सर्वर, देखिए ये भी सर्वर है और ये हमारा सर्वर पीसी है। ठीक है, दो पीसीज मैंने ले लिए, एक हमारा क्लाइंट पीसी है और एक मेरा सर्वर पीसी है। जो मेरा सर्वर पीसी है इस पे जाके मैं IIS कॉन्फ़िगर कर रही हूँ और दूसरे वाले सर्वर पे जाके हम क्या करेंगे, केवल उसको डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, NLB कॉन्फ़िगर करने के बाद। तो मेरा मैक्सिमम काम किसके ऊपर है, सर्वर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम सर्वर के ऊपर क्या लगाएंगे, NIC कार्ड लगाएंगे। ये देखिए मेरा सर्वर है, मैंने इसे स्टॉप किया, पावर ऑफ करते हैं इसे। दोनों सिस्टम्स को मैं पावर ऑफ करके पहले दो NIC कार्ड सेट कर रही हूं। सेटिंग्स पे गए, यहाँ पे नेटवर्क पे जाइए, देखिए ये अडॉप्टर 2 लिखा हुआ है, मैंने दूसरा अडॉप्टर ले लिया और इसे ब्रिज अडॉप्टर पे करके ओके कर दिया। सर्वर के ऊपर दो NIC कार्ड हो गया। अब क्लाइंट के ऊपर भी गए, सेटिंग्स पे गए, नेटवर्क के ऊपर गए, अडॉप्टर 2 पे जाके इनेबल किया और इसे भी ब्रिज कर दिया। दो दो NIC कार्ड हो गए। ठीक है, अब मैं पावर ऑन कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्वर चल गया। ठीक है, सर्वर के ऊपर देखिए दो NIC कार्ड यहाँ आ गया होगा। देखिए हम लोकल सर्वर पे जाते हैं, दो NIC कार्ड हमें दिख गया, एक पे 5001 का नेटवर्क चल रहा है, दूसरे NIC कार्ड पर जाते हैं। ये देखिए ये 5001 के नेटवर्क पे चल रहा है, नेटवर्क 2 पे गए, इस पर 100 का नेटवर्क डाल रहे हैं, 100.0.0.1 ये हमारा सर्वर है तो इस पर हम 100.0.0.1 कर देंगे। ऊपर भी 100.0.0.1 और नीचे भी 100.0.0.1 डाले, IP version 6 और लिंक लेयर्स हटा दे रहे हैं ताकि हमारे IP version 4 को ये रिप्लाई करे। जो हम वेबसाइट, ये देखिए 5001 और 100.0.0.1 आ गया। ठीक है, दो नेटवर्क हो गया अब हमारा। अब हम पहले जाके IIS कॉन्फ़िगर करते हैं। IIS हमने ऑलरेडी कर रखा है तो ऐड रोल एंड फीचर पे जाके IIS की सर्विस अपलोड करते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ये देखिए वेब सर्वर यहाँ पे अपलोड करते हैं IIS कॉन्फ़िगर करने के लिए।
देखिए IIS इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं और सी ड्राइव पर जाके जहाँ पर इनिट पब नाम का फोल्डर आया होगा उसके अंदर WW रूट के अंदर हम अपनी वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे। यही स्टेप्स फॉलो किए थे आपने, ठीक है। तो ये देखिए इनिट पब नाम से फोल्डर आ गया। इनिट पब के अंदर WW रूट के अंदर एक शेयर फोल्डर बनाते हैं। इसके अंदर एक वेबसाइट बनाएंगे। सेव एज करके ऑल फाइल्स और यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे दिया मेरे hh.html के नाम से। ये देखिए HTML डॉक्यूमेंट आ गया। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दीजिए और हम शेयर फोल्डर को जाके इस फोल्डर को शेयर करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पे जाके एडिट एड एडवांस फाइंड नाउ एवरीवन को जाके हमने इसे भी फुल कंट्रोल कर दिया। शेयर्ड हो गया अब ये फोल्डर। अब IIS कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर मैनेजर के ऊपर, टूल्स के ऊपर, वेब सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। इसको ओपन करिए। जो डिफॉल्ट वेबसाइट आपकी चल रही है उसे क्लोज करिए। डिफॉल्ट वेबसाइट को मैंने बंद कर दिया। अब अपनी वेबसाइट ऐड करना है तो ऐड वेबसाइट पे गए, साइट का नाम HH रखा मैंने। अब आपको फिजिकल पाथ बताना है कहाँ पर था। सी ड्राइव के अंदर, इनिट पब के अंदर, WW रूट के अंदर, HH फोल्डर के अंदर मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैंने फिजिकल पाथ दे दिया। अब असाइन IP 5001 जो मेरे सर्वर की IP है वो जाएगी, तो मैंने 5001 के ऊपर इसको बना दिया, ठीक है। अब डायरेक्टरी ब्राउजिंग पे जाएंगे। डायरेक्टरी ब्राउजिंग को इनेबल किया मैंने, ठीक है। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके जितने भी डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट हैं इन सब को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इसे सेलेक्ट करके आपको रिमूव करना पड़ेगा। एक एक ही सेलेक्ट होती हैं, ठीक है। ऐड करिए। अब अपनी वेबसाइट जो आपने बनाई थी उसकी HTML डॉक्यूमेंट का नाम आपको पता है वो यहाँ ऐड कर दीजिए, hh.html। यही आपकी वेबसाइट का नाम था जिससे हमें अपलोड किया। ओके कर दिया। अब फिर से वेबसाइट पर आइए और रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए ताकि डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिए अच्छे से। अब आप ब्राउज करके देखिए तो आपकी वेबसाइट ओपन होने लगेगी। खुल गई आपकी वेबसाइट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। IIS आपका वर्क करने लगा। अब हम NLB करेंगे। NLB करने के लिए
मैनेज के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले एनएलबी इंस्टॉल करने के लिए ऐड रोल एंड फीचर पे जाइए। नेक्स्ट फीचर्स के अंदर आपको मिलेगा एनएलबी। ये देखिए फीचर्स पर हम आ गए। अब फीचर में देखिए नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के नाम से आपको मिलेगा, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, ठीक है। एनएलबी को इंस्टॉल करिए। देखिए अब यहाँ पे एनएलबी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एनएलबी इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स देखिए। यहाँ देखिए हम टूल्स पे गए। टूल्स के ऊपर आपको मिलेगा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर मैंने ओपन किया, ये देखिए। अब इस पे राइट क्लिक करिए तो आपको देगा न्यू क्लस्टर। ये मेरा प्राइमरी सर्वर है, ठीक है। तो हम इस पे न्यू क्लस्टर क्रिएट करते हैं। न्यू क्लस्टर पे क्लिक करिए। अपने जो पहली आईपी है क्लाइंट वाली आईपी वो यहाँ डालेंगे, ठीक है, 5.0.0.1, ठीक है। कनेक्ट किया मैंने, ये देखिए आ गया, ठीक। और क्लस्टर वाली आईपी 100.0.0.1 उठा रहा है, ठीक है। ये कहा कि 100.0.0.1 पे हमारी क्लस्टर जाएगी। 5.0.0.1 हमारा किससे कनेक्टेड है, क्लाइंट से कनेक्टेड है, और 100.0.0.1 वाला जो है वो मेरी क्लस्टर आईपी है। तो ये देखो क्लस्टर के लिए होस्ट बता रहा है, होस्ट पे क्लस्टर पैरामीटर क्या है 100.0.0.1, ठीक। नेक्स्ट करो। अब ये आपसे कह रहा है क्लस्टर की वर्चुअल आईपी मांग रहा है, तो मैंने क्लस्टर की वर्चुअल आईपी मान लो 100 100 100 100 रख दी, ठीक है। ये देखिए क्लियर। अब हमने पहला क्या किया, 5.0.0.1 से कनेक्ट किया क्लस्टर आईपी, क्योंकि दो आईपी चाहिए थी ना, क्लस्टर का होस्ट आईपी उसे 100.0.0.1 दिया। फिर उसने कहा कि आपका जो डेटाबेस है, यानी जो डेटाबेस को रखना है फिक्स डेटाबेस, यानी वेबसाइट का जो डेटाबेस रखना है उसकी आईपी क्या है, तो मैंने उसको दिया 100 100 100 100 वर्चुअल आईपी दी। अब उसके बाद नेक्स्ट करिए। ये आपसे कह रहा है कि 100 100 के ऊपर जो आप डाल रहे हो ये क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक से अधिक हैं, तो हम इसको मल्टीकास्ट पे ले जाएंगे, यूनिकास्ट करेंगे तो 1:1 हो जाएगी ना, तो मैंने इसे मल्टीकास्ट कर दिया 1:many के लिए। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि आप किस पोर्ट नंबर के लिए ये लोड बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो हम एडिट करते हैं। वेबसाइट किस पे रन करती है, HTTP पे रन करती है, और HTTP किस लिए वर्क करता है, पोर्ट नंबर 80 के लिए वर्क करता है। तो वी आर क्रिएटिंग दिस क्लस्टरिंग फॉर पोर्ट नंबर 80, है ना। तो मैंने यहाँ एडिट कर दिया, पोर्ट रेंज 80 to 80, यानी HTTP वेबसाइट के लिए हमने किया, ओके कर दिया और फिनिश। ये अभी यहाँ वेटिंग पेंडिंग दिखा रहा है, थोड़ी देर में ये वर्क करने लगेगा, यानी आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम अपने क्लाइंट पीसी पे चलते हैं। इस पर भी डबल हमको वो करना है, दो एनआईसी कार्ड करना है। दो एनआईसी कार्ड हमने कनेक्ट कर दिए थे आईपी से, कहाँ से शुरू करेंगे, तब तक वहां पे एनएलबी वर्क करने लगेगा। देखिए यहाँ पे हम लॉगिन किसी यूजर से नहीं करेंगे, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर से करेंगे। /administrator
देखिए यहाँ पर भी हम लोकल सर्वर पे जाते हैं, दो एनआईसी कार्ड यूज हो रहा है, पहले वाले पे 5003 डाल रखा है, दूसरे एनआईसी कार्ड पे जाके हम 100 वाली आईपी यूज करेंगे यहाँ पे भी। हमने यहाँ आईपी यूज की 100.0.0.2 और DNS में मेरे सर्वर की आईपी गई 100.0.0.1। आईपी वर्जन 6 और लिंक लेयर्स हटा दिया। अब इस पे जाके हम NLB करते हैं। उठा लिया हमारे सर्वर मैनेजर ने 100.0.0.2। फीचर्स पे जाके नेटवर्क लोड बैलेंसिंग ये देखिए, और मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया। तब तक हम इस पे आके देखते हैं, ये देखिए आ गया सक्सीडेड, हमारा इस पे प्राइमरी सर्वर पे सक्सीडेड दिखा दिया, यानी हमारा सर्वर वर्क करने लगा 100 100 100 के लिए। NLB इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर पे जाते हैं, और वहां पर हमने क्या किया था, न्यू क्लस्टर किया था, हमें नया क्लस्टर बनाना था, यहां मुझे सिर्फ कनेक्ट करना है। सो वी हैव टू कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया हमने, और यहां पर हमें क्लस्टर आईपी डालनी है प्राइमरी सर्वर की, यानी 100.0.0.1 से कनेक्ट करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, देखो क्लाइंट पे ये देखिए, हमने 100.0.0.1 डाला था, इसने फिल्टर करके उठा लिया कि 100 100 100 100 पर एक क्लस्टर चल रहा है, ठीक है। अब इसे आप फिनिश करिए और ये आपको अपने आप वहां का सारा जो डेटाबेस है वो आपको वर्क करके दिखा देगा। ये देखिए इनेबल्ड दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पे दिखा दिया NLB मैनेजर सेशन स्टार्टेड, यानी हमारा NLB फंक्शन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना NLB कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लोड बैलेंस फिक्स डेटाबेस के लिए हम NLB कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लियर।